हेलो फ्रेंड्स, वंदना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बनती है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा साबूदाना लिया है और ये मैंने जितना साबूदाना लिया है उतनी ही शक्कर लिया है। और ये थोड़े से कुछ मेवे हैं, किशमिश, काजू, बादाम, नारियल, चिरौंजी, आपके पास जो मेवे हैं आप वो डाल सकते हो। और मैंने आधा लीटर दूध लिया है, आधा लीटर मैंने दूध लिया है। ये देखिए, दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस अपनी ऑन कर दिया है और दूध हमारा गर्म भी हो गया है। और ये साबूदाना मैंने इसे 5 मिनट पहले इसे अच्छे से साफ़ करके धुल के मैंने रख दिया था 5 मिनट पहले। अब मैं साबूदाने को इसमें डाल दूँगी दूध में, और इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, साबूदाना हमारा पक गया है, मैंने इसे 5 मिनट तक पकाया है। ये देखिए, साबूदाना आपको इस तरह से बिल्कुल शीशे के जैसा देखिए ये दिख रहा है, तो समझो कि आपका साबूदाना पक गया है। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। साबूदाने की खीर आप व्रत में बना सकते हो, वैभव लक्ष्मी की पूजा करना है तो आप उसमें भी व्रत प्रसाद के लिए साबूदाने की खीर बना सकते हो। वैसे भी मतलब व्रत है किसी का तो उसमें भी आप बना सकते हो, वैसे भी बना के खा सकते हो। क्या है, बहुत ही आसान होता है और सिंपल सी हो जाती है, जल्दी से बन जाता है, कोई झंझट नहीं रहता इसमें। बस उबाल लो, बन गया साबूदाने की खीर। अब ये शक्कर हमारी गल जाए, मैं इसमें डाल दूंगी मेवे जो मैंने लिया है, ये थोड़े से जो मेवे लिया है मैं उसको डाल दूंगी इसमें। आपके पास जो है वो डाल सकते हैं, मैंने इलायची भी लिया है ये थोड़ा सा, इसे भी डाल दूंगी, इलायची भी। बस साबूदाने की खीर हमारी बन के तैयार हो गई है। मैं गैस की फ्लेम अपनी बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद जो है हम निकालेंगे। ये देखिए, साबूदाने की खीर हमारी बन के रेडी हो गई है। आप लोग भी बनाइए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है, आप इसे बना सकते हो, एकदम आसान सी है। और आप लोग भी बनाइए और ट्राई करके हमें बताइए। ये थोड़ी ये देखिए, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।